प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय। आज नया वर्ष सन 2023 का आज प्रथम मंगलवार है और इस मंगलवार के दिन आज हम लोग आए हैं दिव्य हनुमान जी के मंदिर में। अब इनके बारे में हम अभी पहले दर्शन करते हैं और फिर अपने आचार्य से हम इनके बारे में हम जानकारी करेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये हनुमान जी हैं। आज नया वर्ष 2023 का प्रथम मंगल है और हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है कि ये वर्ष एकदम मंगल ही मंगल रहे। बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय। महाराज जी राधे राधे। थोड़ा सा हनुमान जी का कुछ कब से प्रकट हुए कुछ बता सकते हैं? हमें तो याद नहीं है, ये हमारे महंत जी हैं उन्हें बताओ। अच्छा वो कहाँ मिलेंगे? अच्छा अच्छा महाराज जी से मिलना होगा तो वो पक्ष परिचय बताएंगे, जीवन परिचय पूरा। अच्छा हनुमान जी के बारे में सब चीज़ के बारे में बता देंगे, कब से थे, कब क्या कब हुआ है। जय हो हनुमान जी महाराज की जय। तो अभी यहाँ के पुजारी जी बता रहे हैं कि यहाँ के जो मेन महंत जी हैं वो यहाँ के बारे में बताएंगे। तब तक हम हनुमान जी के मंदिर का परिक्रमा करते हैं और यहाँ पे सब भक्त लोग हैं जो कि बैठ करके सब हनुमान चालीसा का पाठ करने में लगे हुए हैं। सब देखिए यहाँ पे सब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और ये यहाँ पर ये पीपल का पुराना प्राचीन पेड़ है, ये पूरा यहाँ पे हनुमान चालीसा लिखा गया है और ये परिक्रमा है। पूरी परिक्रमा में राम राम लिखा गया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखिए यहाँ पे गोबर से स्वास्तिक बनाया गया है और गदा और धनुष, भगवान श्री राम जी का धनुष और धनुष बाण और गदा हनुमान जी का ये अंकित किया गया है यहाँ पर। और इस प्रकार से ये हनुमान जी के मंदिर का और ये इधर ये भंडारा भी चल रहा है इधर मंदिर में और इधर ये दुर्गा जी का मंदिर है। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सनत त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज 3 जनवरी सन 2022 मंगलवार साल का प्रथम मंगलवार है और यहाँ पर ये राधा कृष्ण जी का दिव्य दर्शन। और इधर ये इसको बोलते हैं दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा का ये प्रसाद चल रहा है। चूरमा है, बाटी है और दाल है, सब लोग इधर प्रसाद पा रहे हैं। इधर से हम निकलते हैं और सब श्री राधे। अरे आ जाओ यार। राधे 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 राधे। अच्छा ये बताइए यहाँ के हनुमान जी के बारे में बताइए कि कैसे कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। ये पकड़ लीजिए मैं, ये छठी ग्रह से गोवर्धन की तरफ जाते हैं तो छठी ग्रह से 2 किलोमीटर आगे मघेरे गांव पड़ता है जी। उस मघेरे गांव में एक पीपल का वृक्ष था 300 वर्ष पहले, उस पीपल के वृक्ष के नीचे। अच्छा यही वृक्ष? हाँ, यहाँ पर जो वृक्ष हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए जी। और एक खेत में ये था इसलिए इनका नाम मघेरे हनुमान जी हुआ। और ये इतने दिव्य सिद्ध हनुमान जी हैं जो सच्चे मन से इनकी अर्जी लगाता है तो ये तुरंत उसकी अर्जी पूरी करते हैं। यहाँ लोगों की जो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं वो लोग आकर के यहाँ भंडारा करते हैं और हनुमान जी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं जी। जी जी जी। तो ये हनुमान जी बहुत ही सिद्ध हनुमान जी हैं। अभी जैसे कि अभी पहले भी आप लोग दर्शन किए, पुनः ये दर्शन कीजिए।
सत्य सनातन भीवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और ये बहुत ही सिद्ध हनुमान जी हैं और मैं आज इस मौके पर हनुमान जी से यही प्रार्थना करूंगा कि हनुमान जी की कृपा बनी रहे, आज सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो इस प्रकार से हनुमान जी का ये दिव्य स्थान है और हम यहाँ से देखिए, यहाँ पर कैमरा भी लगा हुआ है। आइए, बैठने के लिए ये इस प्रकार से ये है। और इधर भी सीताराम जी की एक मनोहर झांकी है, तो चलते हैं हम वो भी दर्शन कर लेते हैं। श्री सीताराम मनोहर जोड़ी दशरथ नंदन किशोरी जी, देखिए कितना सुंदर। जय हो लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम कारुण्य रूपम करुणाकरं तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, इस प्रकार से। और यहाँ पर भी ये जिनकी जिनकी इच्छा पूरी हुई है, सब लोग अपना भंडारा किए हैं, भंडारा का प्रसाद चल रहा है। और ये यही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही सुंदर जगह है। और ये आप कुछ वाद्य यंत्र लिए हैं क्या? क्या है, कैसे? थोड़ा बजाइए। गंगा जमीना मेरे पास में कुए का नारी ना चाहिए, जिसके घर मेरे माते पिता बंदे तीरथ करे नारे ना चाहिए। हिंदू करे पीपल जो काटे अपना धर्म घटाएगा, मुसलमान हो केरे ब्याज रे लेगा अपना धर्म रे खो जाएगा। हंसा निकल गए और काया से खाली दरी रहे तस्वीर, हंसा निकल गए और काया से खाली दरी रहे तस्वीर। पेटी पकड़े केरी रोवेरी माता, भुजा पकड़े तेरा भाई। पेटी पकड़े केरी रोवेरी माता, भुजा पकड़े तेरा भाई। अच्छा, इसको कौन सा वाद्य यंत्र बोलते हैं? इसको सारंगी बोलते हैं भाई साहब। अच्छा, ये सारंगी है। चलिए, बहुत सुंदर इनका वाद्य यंत्र आप लोग सुने। और इधर ये भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है और अब हम यहाँ से निकलते हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार, ये मंदिर का मुख्य द्वार है, सिद्ध हनुमान मंदिर। जय हो हनुमान जी, आप सबकी मनोकामना पूरी कीजिए, हमारे ऊपर भी थोड़ी कृपा बनाइए अपनी। और ये देखिए, इधर भी ये भंडारा चल रहा है और ये यहाँ के सिद्ध हनुमान जी के बारे में यहाँ पे पूरा लिखा गया है ये। और यही मार्ग है गोवर्धन का, ये छठीकरा से जो गोवर्धन हम लोग जाते हैं, यही गोवर्धन वाला मार्ग है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग आइए और यहाँ हनुमान जी का दर्शन कीजिए। बड़े ही हनुमान जी सिद्ध हैं, बड़े ही कृपालु हैं, दयालु हैं। बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की।